बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी इलाके में बुधवार को एक बड़ी घटना सामने आई है। आरजेटी थाना क्षेत्र के नवलासर ग्राम पंचायत के अर्जुन की ढाणी में 4 वर्षीय बालक एक बोरवेल में गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पप्पू राम पुत्र डालू राम का 4 वर्षीय बच्चा नवीन अपने घर के पास खेल रहा था। इस दौरान अचानक पास ही के एक बोरवेल में गिर गया। खेत में एक बोरवेल से दूसरे बोरवेल में मोटर शिफ्टिंग की जा रही थी। इस दौरान मासूम खेलते खेलते करीब 150 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। जहां बच्चा गिरा है वो पुराना बोरवेल है, उसमें पानी भरा हुआ है। जिला मुख्यालय से सिविल डिफेंस समेत अन्य रेस्क्यू टीमों को भी बुलाया गया। बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू किया गया है। स्थानीय लोग भी राहत कार्य में मदद कर रहे हैं। बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। थोड़े से दूर हो जाएगा, भीड़ है। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं, छोटा बच्चा एक बोरवेल में गिर गया है। तो जो रेस्क्यू की टीम है के अरे अनेक स्तरों पर इसकी कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले एसडीआरएफ को बुलाया गया है, इसके साथ ही एनडीआरएफ को भी सूचित किया गया है, इसके साथ ही आर्मी को भी सूचित किया गया है। स्टेप टू स्टेप की जो उस तरीके से इस बच्चे को बाहर निकालते हैं उस तरीके से इसकी कार्रवाई की जा रही है। परिवार के लोगों ने बताया है कि जैसे इसमें बोर एक पंप सेट था उसको वो खराब हो गया था, उसको बाहर निकाल के रिपेयर की जा रही थी। उस रिपेयर के दौरान ये खाली था, तो जैसे कि बच्चा यहाँ पे कुछ लापरवाही की वजह से ये दुर्घटना घटित हुई। गुड़ामालानी के अर्जुन की ढाणी में बुधवार शाम पप्पू राम का इकलौता बेटा नवीन घर के पास खेत में खेल रहा था। अचानक खेलते समय वह बोरवेल में गिरा। प्रशासन व पुलिस की टीमों ने बच्चे को बोरवेल से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस बीच प्रशासन ने स्थानीय लोगों से आग्रह किया है कि बोरवेल से पास बिना आवश्यक व सुरक्षा उपायों के न जाएं, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।